फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। मैं धर्मेंद्र आपका एक बार फिर से अपने रैंक बेल क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम का पिछले तीन क्लास में 25-25 क्वेश्चन करके तीन क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी जो है हम लोग आज टॉप 25 UPSI के क्वेश्चंस करेंगे और वो भी जो चैप्टर लिया गया है वो है आपका SCF एंड LCM से। तो दोस्तों आज हम लोग 25-25 क्वेश्चन करके तीन या चार वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो टॉप 25 क्वेश्चन जो पिछले प्रैक्टिस सेट में या पिछले एग्जाम में UPSI या UP पुलिस के मिला करके लिए गए हैं उनमें से सेलेक्ट करके 25 क्वेश्चन SCF और LCM आप लोग के बीच आ रहा है। आप पहले क्वेश्चन से यहाँ पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है। आपसे लिखे हुए 756/882 का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर इनका सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कर लेते हैं, आप देख पा रहे हैं 2 से कैंसिल हो जा रहे हैं, 2 3 6, 2 2 4, 2 7 14, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। अतः अब हमें नहीं पता चल रहा है कि ये संख्या अब किससे कटेगी, 8 3 10 10 7, अब नहीं पता चल रहा है दोस्तों। तो अगर यहाँ पे आप चाहते तो भी SCF निकाल लेते, SCF निकाल के इसको डिवाइड करते हैं। आप यहाँ भी SCF निकाल लीजिए, कहीं से भी SCF निकाल लीजिए, फिर जो SCF आएगा उसका इनको और इनको भाग दे देंगे तो आंसर हमें पता चल जाएगा। तो इन दोनों का संख्याओं का जो SCF होगा, SCF अगर डिविजिबिलिटी रूल से निकालते हैं तो भाई आपका 1 × 378 सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे 378 अगर इनको देखा जाए तो 6 times में कैंसिल हो जाएंगे। अतः आप कह सकते हैं इनका SCF जो है वो 63 है। अगर 63 को इनको डिवाइड किया जाए तो ये 6 times और जबकि इनको डिवाइड करेंगे तो ये 7 times। अतः फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, यानी 6/7 आपका आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच में है, डेसिमल वाली संख्या है और इनका एलसीएम निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर डेसिमल वाली संख्या होती है और इनका एलसीएम निकालना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले इनको पूर्णांक बना लेते हैं। पूर्णांक बनाने का मतलब ये है कि आप जिसमें सबसे ज्यादा जीरो की जरूरत है, मतलब इनमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों डेसिमल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। थोड़ी सी भी गलती होती है तो आपको ऑप्शन दिया होता है और गलत करके एग्जाम में चले आते हैं। SCF LCM डेसिमल वाली संख्या का बहुत ही ध्यान से बनाया जाता है। अगर इनको आप बटे करके बनाएंगे यानी ये डेसिमल कैंसिल करके बनाएंगे तो कभी कभी तो आंसर आ जाएगा लेकिन कभी कभी गलत भी हो सकता है। इसलिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसको फॉलो करें, आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। तो आप 1.75, 5.6 और 7 इनका आपको अगर एलसीएम निकालना तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सभी संख्याओं को आप पूर्णांक में बदल देंगे। पूर्णांक नियम ये है कि जिसमें अगर आप इनमें 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरत जीरो की इनकी है, अगर इनका 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको इनमें भी करना पड़ेगा और इनमें भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको 100 से भाग दे देंगे, बात बराबर हो जाएगी। अतः इन तीनों संख्याओं का अगर LCM निकाल लेते ये 175, ये 560 एंड 700, अगर इनका LCM निकाला जाए तो जो LCM आएगा वो दोस्तों 175, 560 और 700 का जो LCM होगा वो आपका होगा 175, 560 और 700 का जो LCM होगा। आप समझ सकते हैं कि दोस्तों LCM निकालने का, आपके पास जैसे भी आप निकालते हो, मैं तरीका बता रहा हूँ LCM निकालने का। सबसे बड़ी वाली संख्या को ले लेते हैं। सबसे बड़ी वाली संख्या को लेने के बाद आप सबसे इनसे बात करते हैं क्या इनको डिवाइड कर पाएंगे, तो ये 175 इनको डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। कारण जानना चाहेंगे तो ये बताएंगे 25 × 7, 25 × 7, 25 × 7 = 175 होता है। दोस्तों अगर यहाँ 7 = 175 यानी ये कहीं ना कहीं हमें लग रहा है काट दे रहे हैं, 25 से भी कट रहा है 7 से भी कट रहा है, यानी 17 × 68
4×5 के जीरो हासिल, ये कार्ड दे रहे हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। आप 560 से चलिए आगे, तो 560 का ऐसा क्या फैक्टर है जो इनको नहीं काट पा रहा है? तो 560 में आप कहेंगे 70 × 8, 7 × 8 = 56, तो 70 से तो ये कट जा रहे हैं, 70 × 2 = 700, 10 बचेगा। 8 में क्या है, आप कह सकते हैं कि 2, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, यानी 2 से ये कट जा रहे हैं 5 बार में, तो 4 का गुणा कर लीजिए। इस प्रकार से एलसीएम दोस्तों ये हो सकता है आपका। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का एलसीएम नहीं एससीएफ पूछा जा रहा है आपसे, एलसीएम नहीं एससीएफ पूछा जा रहा है, इसलिए वो गलत रहा था। एससीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि इन तीनों संख्याओं में आप एससीएफ निकालना हो तो दो संख्या ले लेते हैं, 175 और 560। एक सौ पचहत्तर और 560, तो आप इनको भाग देंगे तो 17 × 51, 3 बार में 3×5 = 15 के 5 हासिल, 1 × 3 = 17 = 51, 10 में से 5 गया 5, 5 से 2 गया 3 = 35, अब 35 बचे 175 होता है, और 35 से ये भी कट रहा है, यानी एससीएफ इन तीनों संख्याओं का 35 आ गया। लेकिन आपका आंसर ये नहीं होगा, अभी आप 100 से भाग दिए थे, 100 से यहाँ गुना किए थे, तो जो आंसर होगा वो 3500 से आपको भाग देना पड़ेगा, यानी जो आंसर होगा 0.35, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपसे कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है और इनका एलसीएम पूछा जा रहा है, तो आपको अगर एलसीएम निकालना हो तो अगर फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो हम लोग न्यूमरेटर का जो है वो एलसीएम निकालते हैं। न्यूमरेटर का हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, जबकि डिनोमिनेटर का आप एससीएफ निकालते हैं। एलसीएम पूछे तो एलसीएम ऊपर होता है और एससीएफ नीचे, और एससीएफ पूछ दे एससीएफ ऊपर होता है एलसीएम नीचे। तो एलसीएम अगर 11, 55, 33 और 44 का निकालने चले तो सबसे बड़ा नंबर आपका 55 हो जाएगा, 11 से ये कट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, 33 से नहीं कट पा रहे हैं, क्यों नहीं कट पा रहे हैं, क्योंकि 11 और 3 होता है, 11 से कट जा रहे हैं, 3 को लेते आइए। 44 के पास जाएंगे तो 11 और 4, 11 से ये कट जा रहे हैं, 4 लेते आइए, तो 12×5 = 60 के 0 हासिल, 6 × 12×5 = 60 और 6 × 6, और नम एससीएफ पूछ रहा है, तो एससीएफ में अंतर विधि आसान होता है, जहां पे कम अंतर दिखे, जैसे ये अंतर कितना है यहाँ पे 7, अगर इन संख्याओं से सभी संख्या कट जा रही है तो यही आपका एससीएफ होगा, सबको काट दे रहे हैं ये पूरी तरह से, अतः एससीएफ जो होगा वो 7 हो जाएगा, अतः इन संख्याओं का एलसीएम जो होगा 607/7, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 18, 12, 8, 12 और 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो दोस्तों अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और जबकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो हम एससीएफ निकालते हैं। तो अगर छोटी से छोटी संख्या कह रहा है तो 8, 12, 18, 24 का एलसीएम निकाल देंगे, वही आंसर होगा। 24 अगर ये आ जाता तो ये 8 से कट जा रहा है, 12 से कट जा रहा है, 18 से नहीं कट रहे हैं, क्यों नहीं कट रहे हैं, तो 18 के पास आपका क्या है, 6 है और 3 है, 6 से ये कट जा रहा है, 3 को लेते हैं, यानी 24 × 3 = 72, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे कह रहे हैं कि वह स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिनको 20, 25 तथा 30 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर का क्रमशः 8, 13 तथा 18 से बचे। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटी से छोटी कह रहा है तो 20, 25, 30, इसमें जो शेष बचाना है इसको घटा ले, 8, 13 और 18, तो आप पाएंगे कि हर जगह आपका समान शेष बच रहा है, क्या बच रहा है, समान शेष, समान से सोचा। तो ऐसे क्वेश्चन जब मिलते हैं तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं एक्स वाई जेड का, इनका जब एलसीएम निकालेंगे
और माइनस के, ये जो आपका समान शेष है उसको के कहते हैं, के। तो आप 20 25 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 300 आएगा, और के घटा देंगे यानी 12 घटा देंगे, अतः आपका इस क्वेश्चन का आंसर 288 जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इस इतना और इतना से भाग दिए जाने पर शेष क्रमशः 6 तथा 5 बचे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, तो हमें सबसे पहले 1657 में अगर 6 बचाना है तो 6 घटा लीजिए, और 2037 से भाग देने पर 5 शेष बचे तो 5 घटा लेते हैं, यानी 1651, और 2037 में -5 करेंगे तो 2032। इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो इन संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकाल लें। 2032 वन टाइम, 1831, 1651, 4 3 5 15, 5 1 कम 5, 15 40, 35 नहीं, 4 बार में ही जाएंगे, 5 बार में जाएंगे। 4 1 कम 4, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15, यानी 11 में से 4 गया 7, 2 में से 2, 4 में से 2 गया 2, 1 381, 3 बार में 200 कैंसिल हो जाएगा, यानी एचसीएफ कितना होगा 127, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 127। अगर 127 से इनको भाग दीजिएगा तो 6 शेष बचेगा, 127 से अगर इनको भाग दीजिएगा तो 5 शेष बचेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, दो अंकों के सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 4 और 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 2 और 4 शेष बचे, और उसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन कहा है दोस्तों। तो आप सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह 3 4 6 शेष क्रमशः 1 2 और 4, तो आप देख पाएंगे 2 बचा 2 बचा 2 बचा, समान शेष है के, इसको के कहते हैं। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम 3 4 6 का एलसीएम दोस्तों 12 होगा। एलसीएम माइनस के कितना है आपका, के आपका 2 है, अतः 10। ये संख्या नहीं पूछ रहा, कह रहा है कि अगर उसको 5 से भाग दे दे तो शेष कितना बचेगा, अगर इनको 5 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कह रहे हैं 13 का वह सबसे छोटा गुणक बताइए जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर सदैव 2 प्राप्त हो। तो सदैव 2 प्राप्त हो मतलब रिमाइंडर में सब 2 प्राप्त हो। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बाई ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि क्या कोई ऐसा ही ऑप्शन दिया है जो 13 का गुणक हो तो 13 से कटना चाहिए। अगर ऐसा एक ही ऑप्शन है तो वही ठीक होगा, अगर एक से अधिक ऑप्शन है जो 13 से कट रहा है तब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन से देख लेते हैं कि ऐसा क्या है। तो अगर इनको भाग देते हैं तो 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 91 यानी 4 बचा होगा, नहीं कट रहा है। 13 7 91, 13 7 91, 5 बच रहा होगा, 13 6 52 कट रहा है, 13 6 78 ये कटेंगे नहीं, 13 कम 13, 13 दूनी के 26 होगा, नहीं 12, 122 हो जाएगा, 122 होगा तो 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, यानी 5 बच जाएगा, और 5 और 2 52 यानी कट रहा है। दो दो ऑप्शन कट रहे हैं, जब ऐसे अगर ऑप्शन दे दे तो हमें बनाना मजबूरी बन जाती है, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि 4 5 6 7 8 इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा उसमें के का मल्टीप्लाई करके आप जो रिमाइंडर बताना है उसको जोड़ना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स आपको साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि ये संख्या 13 से कट रही है या नहीं। तो एलसीएम 4 5 6 7 का एलसीएम जो होगा आप कह सकते हैं कि 8 ले लेंगे। एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, एलसीएम कितना आता है, एलसीएम जो होगा आप जैसे भी निकालते हैं स्कूली मेथड से निकालते हैं तो वैसे भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस तरह से लिख देता हूँ, 4 से कटेगा, 5 को यहाँ ले आइएगा, 6 तो भाई 3 और 2, 2 से ये कट रहे हैं, 3 लेते आइए, 7 लेते आइए,
यानी आप कह सकते हैं कि 8 3 के 24, 24 5 120, 120 × 7 यानी 840, 840 के प्लस 2 साथ ही साथ 13 से कटना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहां तक कट रहा है उसको एक साइड लिख दीजिए, यानी 13 6 78, 13 6 78 यानी 780, 780 के प्लस 60 के प्लस 2। अब इनको भी तोड़ दीजिए, ये भी 13 4 52 यानी 8, 52 और जोड़ दीजिए इधर, आप इसको लिख सकते हैं 52 के प्लस 8 के प्लस 2। अब इसको आपको कि एक ऐसा क्या मान रखे कि 13 से कट जाए, 1 2 3 करके देख लीजिए, अगर 1 रखते हैं तो आगे कम 8 2 10 नहीं कटेगा, 2 रखते हैं 8 2 16 2 18 नहीं कटेगा, 3 रखते हैं 8 3 के 24 2 26 कटेगा, यानी के का मान क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, तो 3 रखना पड़ेगा, के का मान 3 रखना पड़ेगा। अतः 840 × 3 प्लस 2 यानी आप 3 का गुणा करेंगे तो ये 2520 होगा, आप प्लस 2 यानी 2522 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 2522 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, कुछ करना नहीं था दोस्तों, इनका एलसीएम निकाल दिए, जो एलसीएम होगा इनटू एक्स या के और प्लस 2, और इसके साथ ही साथ देखते हैं कि ये 13 से कट रहा है कि नहीं, के का मान 1 2 3 इस तरह से करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स आपसे लिखा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 28 30 और 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करेंगे, अगर ऐसे बन जाता है तो ठीक, अदरवाइज आपको डिटेल करना भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको नंबर दिख रहा है कि 24 28 वो 30 वो 35, तो आप सबसे पहले 9 सर्च करिए कि कहीं 9 मिल रहा है क्या, तो 9 नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो 24 24 है, तो आप समझे कि अगर 24 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 और 8 से कटना चाहिए, या अगर 28 को से चेक करते हैं तो 4 और 7 से कटना चाहिए, या 30 को चेक करते हैं तो 5 और 6 से कटना चाहिए, 35 को चेक कर रहे हैं तो 5 और 7 से कटना चाहिए, यानी जो संख्या 35 से कट रही होगी वो कहीं ना कहीं 5 से भी कटती होगी और 7 से भी कटती होगी। इसमें से जो भी आपको आसान लगता हो, जैसे 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंकों का योग, अगर आप कह रहे हैं कि 24 से कट रहा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो संख्या 3 से कट रही है, ऑप्शन से चेक करिए क्या ऐसा एक ही ऑप्शन है, अगर एक ही ऑप्शन है तो आप वही आंसर होगा, दो ऑप्शन है तो कोशिश करेंगे कि कोई और से बात बन जाए, नहीं तो हम लोग डिटेल करना भी जानेंगे। तो पहले 3 से चेक करते हैं कि 3 से कट रहा है कि नहीं, तो दोस्तों ये नंबर कट रहा है 3 से, अंकों का योग 4 2 6 9 15, 15 3 से कट रहा है, 9 4 13 4 17 इनको नहीं कट रहे हैं, 9 6 15 4 19 ये नहीं कट रहे हैं, 9 9 18 4 22 ये भी नहीं कट रहे हैं, अतः आप कह सकते हैं कि यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप किसी और से भी देख सकते हैं। 8 का विभक्ति का नियम क्या होता है कि लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए, देखिए कट रहा है नहीं कट रहा है, 8 5 40 8 5 40 कट रहा है ना, 8 से कट रहा है, ये 8 8 64 कट रहे हैं, 8 8 8 कम 8 8 2 16 8 कम 8 और फिर कितना बचा दोस्तों, 1 बचा 14 हो गया, और 8 1 कम 8 6 नहीं कट रहे हैं, ये दो दो ऑप्शन कट रहे हैं, तो फिर और किसी से चेक करते हैं, फिर 7 से भी चेक कर सकते हैं, हालांकि 3 से एक ही ऑप्शन कट रहा है यही आंसर होगा। अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए मैं 3 से ना चेक करके किसी और नंबर से चेक करता, मैं 7 से चेक कर लूं, मैं 7 से चेक कर लूं, 7 से चेक कर लूं, तो 7 से चेक करने के लिए क्या था, 7 1 कम 7 आप 3 3 का जोड़ा बनाकर भी कर सकते हैं, 7 1 कम 7 कितना बचा, 2 बचा, 7 3 21 7 2 14 कट रहा है, 7 1 कम 7 2 बचा 24 हो गया, 7 3 21 3 बचा नहीं कट रहा है, 7 1 कम 7 2 बचा 7 3 21 5 बच रहा है नहीं कट रहा है, 7 1 कम 7 और 7 7 7 28 7 2 14 कट रहा है,
तो आप 7 से कट रहेंगे, दो दो ऑप्शन, यानी इन दोनों में से कोई और सही होगा। तो आप कोई और डिविजिबिलिटी रूल दिखा के देख लीजिए कि इनमें से कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो नहीं होगा, जब फॉलो करेगा तो ये होगा, यानी 9240। अगर आपको ये क्वेश्चन न समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हैं, 24, 28, 30 और 35 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, 24, 28, 30 और 35 एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। तो 35 बड़ा नंबर, एलसीएम 35 ले लिए। 24 से बात करने जाएंगे तो 24 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो 35 को काट दे, पूरा 24 आ जाएगा। 28 के पास जाएंगे तो 28 के पास 7 और 4 होता है, 7 5 35, 4 6 24 कट गया। 30 के पास जो होता है वो 5 और 6 होता है, 5 से 1 कट गया, 6 से 1 कट गया, यानी यही आपका एलसीएम होगा। यानी 24 5 120, हासिल 12, 24 3 72, 73 74 840। अब 840 से हम लोग 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहा है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग देंगे, तो ये दो एक बार में 840, 9 5 8 1, 1599। आप दोस्तों, आप बड़ी से बड़ी कहा है, ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहा होता छोटी वाली संख्या तो आपको जोड़ना पड़ता, और यहाँ घटाना है तो एक ही बार में ले जाइए 840। अतः 9 9 में से 4 गया 5 15 में से 8 गया 7, यानी जो संख्या होगी आपकी, आप 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 759 घटा लीजिए, यानी 9240, यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। अगर छोटी से छोटी यहाँ वाला बोला होता कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो यहाँ 1000 लेते हैं और एक बार बढ़ा के ले जाते हैं, एक बार बढ़ा के ले जाते हैं क्योंकि वहाँ जोड़ना होता है, और जब जोड़ना होता है तो एक बार हम लोग बढ़ा के ले जाते हैं, और घटाना होता है तो एक बार, जैसे अपना बेसिक वे में करते हैं वैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पे लिख रहे हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताएं, जो 22 35 55 और 70 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचता है। कितना शेष बचता है दोस्तों? 3 शेष बचता है। फिर इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करिए, 3 शेष बचता है, यानी 3 घटा लीजिए। अगर ये संख्या ऊपर दी गई संख्याओं से कट रहा हो, यानी आप कह सकते हैं कि वही आंसर सही होगा। अगर एक ही ऑप्शन कट रहा होगा तो डायरेक्ट कर लेंगे, और अगर ना कट रहा होगा तो आप फिर दो दो ऑप्शन डिटेल करके सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर 22 से कट, विभक्ति का नियम क्या होता है, यानी 11 और 2 से कटना चाहिए, तो 11 और 2 से कटना चाहिए, तो 11 से अगर इनको काटेंगे तो 11 9 99, 5 बचेंगे, नहीं कटेंगे, यानी पहला ऑप्शन कदापि नहीं हो सकता। 11 से इनको काटें, 11 कम 11 11 चौका 44 हो सकता है, जब तक पूरी तरह से शाश्वत ना हो जाए तब तक आंसर हम लोग नहीं ठीक करेंगे। 11 दुनी के 22 8 5 नहीं कटेगा, 11 चौका 44 नहीं कटेगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। डिटेल कर लीजिए, अगर डिटेल करना हो तो 22 35 55 70 का एलसीएम लेंगे, 22 35 55 और 70 का एलसीएम लें। एलसीएम जो होगा, बड़ी वाली संख्या को ले लेते हैं पूरा, 2 से 1 कट जाएंगे, 11 को ले आइए, 2 से 1 कट जाएंगे, 11 को ले आइए। 35 में क्या होता है, 7 और 5 होता है, तो 7 दहा में 70, 35 से 3 कट ही जा रहे हैं, डायरेक्ट कट रहे हैं ना। 55 में 11 इनके पास है, 55 के पास क्या होता है, 11 और 5 होता है, 11 इनके पास है, 5 इनके पास है, यानी 770 होगा। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये 1000 होता है। अब 770 से हम लोग इस संख्या को भाग देंगे, तो दोस्तों ध्यान दें, एक बार बढ़ा के ले जाते, क्यों? क्योंकि यहाँ जोड़ना होता है, इसमें आप एक भी घटाइएगा तो 3 अंक वाली संख्या बन जाएगी। आप जानते हैं कि आप 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो जोड़ना पड़ेगा, यानी 2 बार लेके जाइए, तो यानी आपका 1540 होगा। उल्टा घटाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 0 से 0 4 5, 540, यानी 540 आपकी संख्या जो बनेगी, आपको 4 अंकों से छोटी संख्या प्लस 540, और जो रिमाइंडर बचाना है, कितना रिमाइंडर बचाना है, 3 बचाना है, यानी आपका जो आंसर होगा 1543, ये बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, वो कह रहा है दो संख्याओं का मात्सा 42 और एलसीएम जो है 352 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म यानी पेयर, कितने पेयर पॉसिबल है, कितने जोड़े बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप हम पढ़े होते हैं कि भाई पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू किन्हीं दो संख्याओं का मात्सा और लॉस्य का गुणनफल उनके पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का जो एलसीएम दिया हुआ है 42 एंड एलसीएम जो दिया है 352, तो अगर संख्या हमें नहीं पता है तो हम एलसीएम के ही मल्टीपल में मानते हैं, यानी 42x एंड 42y। 42 से 42 कैंसिल हुआ, 42 से अगर इनको कैंसिल करते हैं तो आपका कितनी बार में चले जाएंगे, 6 7 8 9, कितनी बार दोस्तों जाएंगे, 642, 6 5 30, 42, 352, 642, 6 5 30, 6 5 30 हो गए, 52 नहीं कट रहे हैं, क्यों नहीं कट रहे हैं, 6 5 30 देख लेते हैं एक बार, 42 क्या दिया है नंबर, 42 और 252, यहाँ पे दोस्तों 252 कर लीजिए, 252, यानी अगर 6 7 42 हुआ, 6 4 24, 6 2 12, यानी 7 6 42, यानी एक्स वाई बराबर 6। तो आप एक्स वाई बराबर जब 6 आ रहा है तो आप ऐसी कितने प्राइम नंबर होंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके आप 6 ला सकते हैं, आपस में वो नंबर टकराना नहीं चाहिए, जैसे 1 गुणे 6, 2 गुणे 3, और कोई नंबर है दोस्तों जिसको आप मल्टीप्लाई करके 6 ला सकते हैं, तो ऐसा आप कोई पॉसिबल नहीं है। अगर एक बार 2 गुणे 3 लिख दिए हैं तो पीछे 3 गुणे 2 न लिखिएगा, क्योंकि भाई पेयर तो पेयर ही होता है, चाहे हस्बैंड आगे खड़ा हो, वाइफ पीछे खड़ी हो, या वाइफ आगे खड़ी हो और हस्बैंड पीछे हो, जोड़ा तो एक ही कहा जाएगा। तो एक और एक कितने जोड़े पॉसिबल हैं, तो 2 पेयर आर पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन। आगे भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहे हैं कि 4 घंटियां 6 8 12 18 सेकंड के इंटरवल पर बजती हैं, यदि वे 10 बजे एक साथ बजी हैं तो 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 6 8 एंड 12 एंड 18 का एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम जो होगा 18 12 8 और 6 का 18 को ले लेते हैं, तो 6 से कट जाएंगे, 8 को ले लेते हैं, तो ये जो 4 और 2 देगा तो 2 9 18 होता है, 4 को ले आइए, 12 के पास जो होता है आपके पास होता है 6 और 2, तो 6 3 के 18, 2 2 के 4, इससे कट जाएगा, यानी 72 सेकेंड, यानी 72 सेकेंड में एक साथ बज रही है, 72 सेकेंड में एक साथ बज रही है। आप देखें दोस्तों कि आपके पास 10 बजे से 12 बजे तक टोटल कितने सेकंड है, 10 बजे से 12 बजे तक, तो 1 घंटे में दोस्तों 60 मिनट होता है, और 60 को 60 से गुणा कर दें तो 3600 सेकंड होते हैं, यानी 7200 सेकंड में कितनी बार, 7200 सेकंड में कितनी बार, ये 2 घंटे यानी 7200 सेकंड, और 7200 सेकंड में कितनी बार, 7200 सेकंड में एक बार बजती है, तो ये 100 आएगा, और प्लस 1 जोड़ देते हैं हम लोग, तो दोस्तों आपका ये समय जो आ जाएगा 100 और 1 यानी 101 बार, कितनी बार घंटिया एक साथ बजेंगी, तो 101 बार। एक इसलिए जोड़ते हैं दोस्तों क्योंकि शुरू वाला जब जैसे ही 10 बजे गिनना बजी एक साथ घंटिया वो नहीं जोड़ते हैं, तो उसको पहले ही हम लोग 1 जोड़ लेते हैं कि 10 बजे तो चलो ही थी, अगला जो बजेगा वो घंटी कितने बजे बजेगा, 10 बज करके 72 सेकेंड पे, 10 बज के 72 सेकंड में, तो 72 सेकंड से गिनना शुरू हुआ, जबकि 10 बजे वाला नहीं गिना, 10 बजे वाला अगर एक बार जोड़ लेते हैं हम लोग तो आंसर आएगा 101। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में एक जरूर जोड़ेंगे, 100 भी आपको ऑप्शन दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कुछ संख्याएं दी हुई है, ये और ये दिया है, कह रहा है इनका एलसीएम और इनका एलसीएम का रेशियो बताइए, इनका एलसीएफ और एलसीएफ का क्या अनुपात होगा। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी संख्या का हमें एलसीएफ निकालना हो और भिन्न में हो तो हम लोग अंश का एलसीएफ निकालते हैं, 3 2 5, तीनों अभाज्य संख्या है, यानी एलसीएफ कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, जो कॉमन ही नहीं है कुछ तो,
और 7 5 4 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, तो अगर 7 5 4 को देखा जाए तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, जबकि 4 एक भाज्य संख्या है, यानी 7 5 35, 35 × 4 जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, 140 140। एलसीएम की बात करते हैं तो ये तीनों अभाज्य संख्या है, एससीएफ पूछा होता तो एक होता, एलसीएम पूछा है तो गुणा कर देते हैं, 2 3 6 और 6 7 42। आप एससीएफ फंक्शन निकाल सकते हैं, वैसे 9 14 20 का एससीएफ निकालना होगा, यानी एससीएफ जो होगा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, 14 में से 9 गया, 5 5 से निकल रहा है, 1 हो जाएंगे। अतः आप कह सकते हैं कि भाई इनको जब कैंसिल करेंगे एससीएफ और एलसीएम, एलसीएम पूछा था ऊपर में 2 3 7, आपका एलसीएम 42 हो गया, 9 14 20 एससीएफ 20 हो गया। अतः आप कह सकते हैं कि इनका अनुपात क्या होगा, कुछ क्वेश्चन मिस है क्या दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन बदलना पड़ेगा आपको, क्योंकि तो ऑप्शन आपका मैच नहीं करा। 1:29:40 कर लेते हैं, एक और ऑप्शन 29:40:1 कर लेते हैं। अतः आप देखेंगे यहाँ पे कि भाई इनका जो एलसीएम और एससीएफ का जो अनुपात आएगा, एससीएफ अगर इनका निकालते हैं तो 1 होता है, और इनका एलसीएम जब निकालेंगे तो 7 5 4 का जो एलसीएम होगा, 7 5 35, 35 चौका जो होगा दोस्तों, 7 5 35, 35 चौका 140, 140 होगा, तो भी ऑप्शन आपका इस तरह से कर लेते हैं। और इनका जो एलसीएम होगा 2 3 7 का जो एलसीएम होगा, 2 3 6 6 7 42, और इनका एससीएफ जो होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन कुछ भी नहीं है। तो अगर 1:42, अगर 42 14 का गुणा इधर करते हैं तो 14 2 28 के 8 हासिल, 2 14 चौका 56 और 2 58, 14 चौका 56 और 2 58, यानी आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी तीसरा ऑप्शन में आप बना लेंगे 1:58:80 हो जाएगा, 1:58:80 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ ऐसा दिया हुआ है कि यदि दो धनात्मक सम संख्याएं हैं, मतलब 2 पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं जिनका एससीएफ और एलसीएम आपको दिया हुआ है, उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा? तो दोस्तों इन संख्याओं का जोड़ निकालेंगे, सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं 2x और 2y, यानी कोई भी संख्या रहे अगर उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका सम संख्या आपका बन ही जाएगा। तो आप पढ़े हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस, ये आप पढ़े हुए हैं, यानी आप एक्स वाई का मल्टीपल जो होगा वो 42 होगा। अगर जोड़ा पूछा तो दोस्तों तो क्या जोड़ा बनाते हैं, 1 × 42, 2 × 21, 3 × 14, 4 से नहीं बनेगा, 5 से नहीं बनेगा, 6 से बनेगा, 6 और 7। जोड़ा पूछा होता तो हम बता देते कि 4 जोड़े संभव है, 4 जोड़े। अब लेकिन योग पूछ रहा है कि जोड़ कितना होगा, तो दोस्तों जोड़ तो बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन से चेक करें तो कौन से ऑप्शन से ये चारों में ऑप्शन मैच कर जाएगा, यानी अगर 1 और 42 लेते हैं, अगर एक्स का मान 1 लेते हैं और वाई का मान 42 लेते हैं, तो 42 अधिक 43, 43 दूनी के आपका जो हो जाएगा, आप गुणा करेंगे, अगर एक्स प्लस वाई अगर कॉमन लेते तो 42 1 43 46 ऑप्शन में नहीं है, अगर इनको लेते हैं तो आप 21 2 23, 23 दूनी के 46 वो भी नहीं है, 14 3 17, 17 दूनी के 34 ये ऑप्शन में दिख रहा है, और इस उन संख्या का जोड़ कितना होगा? तो दोस्तों आप 84 उन संख्या का जोड़ कितना होगा, तो अगर एक्स वाई के मान पे डिपेंड करता है तो एक्स और वाई का मान अगर आप 3 × 14 यानी 14 3 17 और 17 दूनी के 34 ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, और 7 6 13, 13 दूनी के 26 ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 2x और x और y का मान अगर आप 3 × 14 ले लें तो आपकी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएंगे 3 दूनी का 6 और 14 दूनी के 28, यानी 34 सही है, और आपका
अगर एक्स वाई का मान आप 6 गुणे 7 ले लें, 6 और 7 ले लें, तो आप 2 6 12 हो जाएंगे और 2 7 14 हो जाएंगे, और ये आंसर आपका 26 हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से दोनों में से यहाँ पे आप दोनों टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा कह देता कि यदि दो धनात्मक दो अंक वाली संख्या, तो दो अंक वाली संख्या अगर कहता तो आपको ये करना पड़ेगा, यानी 12 प्लस 14, यानी यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी दूसरा ऑप्शन। अगर कह देता कि केवल दो अंक वाली संख्या, तो दो अंक वाले यही बन पा रहा है दोस्तों, ये तो एक अंक वाले बन पा रहा है, तो ये नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो दोनों आंसर सही था, लेकिन यहाँ पे अगर कह देता कि दो अंक वाली, यदि दो धनात्मक संख्याएं सम संख्याओं में से मौसत हर दशक में, यदि दो धनात्मक संख्याएं यदि दो अंकों वाले लिख दिया होता तो हमारा 26 आंसर बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे आप 26 भी सही है, 34 भी सही है। अगर दो अंक वाला देता तो आंसर केवल 26 होता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, आपको लिख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मौसत 13 है, तो ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए, पेयर बताना है। तो हम जानते हैं फर्स्ट नंबर 13x, आप एचसीएफ के मल्टीपल में ही आप पहली संख्या और दूसरी संख्या मानते हो, और 13 गुणनफल कितना दिया है दोनों संख्याओं का, 2028। अगर 13 से इनको काटते हैं तो 13 कम 13 7 बचा होगा, 13 5 65 7 बचा होगा, 13 6 18, फिर 13 से काटते हैं, 13 कम 13 13 26, यानी एक्स वाई बराबर 12। तो ऐसे जोड़ों की संख्या बता दी, कौन सी संख्या जोड़ के आप ऐसे जोड़ों की संख्या बताए, 1 गुणे 12, 2 गुणे 6 होगा कि नहीं, आपस में टकरा रहे हैं, नहीं लेंगे, 3 गुणे 4, और 4 3 उल्टा करके नहीं लिखेंगे आप, वही बात हो जाएगी, 3 गुणे 4 और 4 गुणे 3, यानी दो पेयर यहाँ पे पॉसिबल है, यानी 15 का दूसरा बिल्कुल सही है, 15 का आपका दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। 16 नंबर देखते हैं दोस्तों, 16 में कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा 120 है और उनका मौसा 10 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का योग हो सकती है, उन संख्याओं का योग हो सकती है। तो फ्रेंड्स अगर उनका लसा 120 दिया है तो मौसा कितना दिया है 10, तो 10 गुणे 120 मौसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अतः हम इसको काट दें, यानी एक्स वाई बराबर 12 होंगे। तो आपसे कह रहा उन दोनों संख्याओं का योग हो सकता है, यानी अगर 12 को 1 गुणे 12 लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं, 2 गुणे 6 नहीं लिख सकते, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, तो आपका उन दोनों संख्याओं का योग क्या हो सकता है, 10x + 10y। तो आप 10 कॉमन कर लें तो x प्लस वाई इन दोनों को जोड़ के 10 से गुणा कर दें, तो 12 13 13 धाम 130 ऑप्शन में नहीं है, 4 3 7 4 3 7 7 धाम 70, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स, आपका ये कुछ संख्याएं दी हुई है उनका एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ जो 2 पे पावर 3 है इसको हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और 3 पे पावर 2 है तो इनको 3 × 3 लिख सकते हैं, 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हैं, और 15 को आप प्राइम फैक्टर करते हैं, इसको क्या करते हैं प्राइम फैक्टर। तो आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों में चारों में आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी तीनों में मैच नहीं कर रहा है, दो इसमें है तो इसमें नहीं, इसमें है तो इसमें नहीं, तो कोई भी कॉमन ना कर रहा है। अगर चारों में कोई भी कॉमन ना कर रहा हो तो वहां पर हम लोग एचसीएफ कितना बताते हैं 1 बताते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 में आपको तीन आपको बीजगणितीय द्विघात समीकरण दिए हुए हैं और इसमें पूछ रहे हैं कि इन संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, तो अगर आप इनका फैक्टर करें तो आप कह सकते हैं इनका फैक्टर 3 और 2 होगा, 3 2, यानी आप कह सकते हैं x कॉमन कर लें तो x-3, यहाँ से +2 कॉमन करें तो x-3, और यहाँ पे आपका x-3 और x+2 हो जाएगा, x-3 और x+2 होगा। इसी प्रकार से यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएंगे आपके, यहाँ माइनस हो जाएंगे, यानी x-2 x+3।
इसी प्रकार से अगर 3x² - 8x + 4 है, इनका फैक्टर करें तो भाई जोड़ने पे आपका 8 आना चाहिए और गुणा करने पे 12। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़े तो 8 और गुणा करें तो 12 हो जाए, 4 3 12। तो अब 6 और 2 कहेंगे तो 6 और 2 ले लेंगे, तो 6 और 2 अगर इनसे 3 कॉमन कर ले तो x-2 हो जाएंगे, और -2 यहाँ कर लेंगे तो x-2। और तीसरा वाला जो है आपको दिख रहा होगा कि x-2 का होल स्क्वायर है, तो x-2 यहाँ मिल रहे हैं, x-2 यहाँ भी मिल रहे हैं, और x-2 आपको ऊपर भी मिले हुए थे। अतः आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा x-2 होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि x-2 जो है हर जगह आपका कॉमन है, x-2 जो है वो आपका हर जगह कॉमन। क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड्स, ये है कि 21 आम के पेड़, 42 सेब के पेड़ और 56 नारंगी के पेड़ हैं। इन पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के समान पेड़ हैं, न्यूनतम कितने पंक्ति बनेंगे? तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। 21, 42 और 56 का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स? तो हम लोग इनको घटा कर निकाल लेते हैं एलसीएम। 56 में से 42 घटाएंगे तो 14, 14 से ये तीनों संख्या निकट रही है, तो 14 का नेक्स्ट वाला मल्टीपल क्या होता है? 7 होता है, और 7 से ये सभी संख्या कट रही है, यानी एलसीएम जो होगा वो 7 होंगे, यानी 7 7 की आप पंक्ति बनाएंगे। तो टोटल कितनी पंक्ति बनेगी आप देख सकते हैं कि 21 आम का पेड़ है यानी 3 पंक्ति बनेगी, 42 सेब का पेड़ है यानी 7 6 का 42 6 पंक्ति बनेगा, और 7 8 56 यानी 8 6 14 3 17 कितनी पंक्ति बनेगी? 17 पंक्ति। कितने कितने पेड़ लगेंगे? तो 7 7 पेड़ लगेंगे एक पंक्ति में। और कह रहे कितने पंक्ति बनेंगे? तो 8 6 14 3 17 पंक्ति बनेंगे। अगर आपसे पूछा होता कितने कितने पेड़ लगाए गए हैं पड़ेगा 7। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर में दोस्तों, इस तरह से लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के भाग विधि में मौसम निकालने के क्रम में अंतिम भाजक 5 है, जबकि ऊपर से नीचे तक भागफल क्रमशः 3 और 2 और 3 है, तो छोटी संख्या बताइए। तो मौसम निकालने क्रम में ऐसे में भाग विधि यूज किए हुए हैं ये, तो आप ऐसे स्क्रीन लाइन खींच दीजिए क्योंकि 3 संख्याएं दिया हुआ है, भागफल क्रमशः 3 2 और 3 है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे है तो ऊपर से नीचे लिखिए, और नीचे से ऊपर है तो नीचे से ऊपर लिखिए, तो 3 2 और 3 है, 3 2 और 3 है। और कह रहा है कि अंतिम भाजक क्या दिया है दोस्तों? भाई जबकि 3 2 और 3 है, भागफल 3 और 2 और 3 है, 3 2 और 3 है, तो यहाँ पे 3 2 और 3 हो गए। अंतिम भाजक 5 है, अंतिम भाजक 5 है, यहाँ 5 लिख देते हैं। तो कह रहा है कि छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या यानी यहाँ वाली संख्या बतानी है, और बड़ी संख्या यानी यहाँ पे बिगेस्ट नंबर यानी यहाँ वाली संख्या बतानी है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर लेते हैं, इसका इनमें मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15, नीचे कुछ तो होगा नहीं क्योंकि कट गया होगा तभी वहां से 5 आया होगा, तो 5 3 15 यहाँ पे 15 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? तो 15 दुनी के 30 और 30 में ये जोड़ देंगे यानी 35 हो जाएंगे, यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 35। फिर से समझे दोस्तों, नीचे वाली संख्या को यहाँ से गुणा करेंगे, 5 3 15, मतलब कि भाजक को भागफल से गुणा करेंगे, 15 हो जाएंगे। अब 15 को यहाँ लिखेंगे ऊपर वाला, और फिर 15 दुनी के 30 और नीचे में इनके 5 है यानी 35। अगर बड़ी संख्या पूछी होती तो 35 3 105, 35 3 105 और 15 120 होता। तो दोस्तों आपसे छोटी संख्या पूछी गई यानी 35 आंसर बिल्कुल सही है, आप 120 जब बड़ी संख्या पूछा होता तब आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 21 की तरह, एक दुकानदार के पास 304 रुपये में कुछ दिन दर्जन नींबू खरीदा और 160 रुपये का कुछ दर्जन नींबू क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, कम से कम कितने नींबू अभी उसके पास हैं? तो फ्रेंड्स कितने नींबू खरीदा था ये कैसे निकालेंगे? इनका और इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं, यानी 160 और 304 का एचसीएफ निकालेंगे। 160 कट जाएंगे, 4 10 में से 6 गया 4,
दो में से क्या 144, 160 को फिर भाग दे दीजिए, 144 16 और 16 नवा 144 होता है, यानी एचसीएफ जो हो गया 16 हो गया। अतः कह रहा है आपसे कि 160 रुपये का कुछ दर्जन नींबू क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, अभी कितने पैसे उसके पास शेष बचे हुए हैं, कितने पैसे शेष बचे हुए दोस्तों? तो आप कह सकते हैं कि आपके पास 144 रुपया, 144 रुपया अभी बाकी है। अगर 160 में 144 जोड़ देंगे तो 304 आ जाएगा, अतः 116 का है, यानी उसके पास आप कह सकते हैं कि 9 नींबू अभी शेष है। कितने नींबू बेच दिया? तो 160 बटे का, आप 160 बटे का 16 करते तो 10,000 था, यानी 19 नींबू था उसके पास। टोटल नींबू निकालना है, 304 में आप 16 से भाग दे दीजिए, 16 कम 16, आपके पास जो बचा होगा वो 9 से कट जाएगा, 16 नवा 144। तो इस तरह से है, कितने बचे हैं तो भाई कितना पैसा बचा है, 144 रुपया बचा है। कितना बेच दिया, कितना रुपया बेच दिया, कितने खरीदे थे टोटल? 904 बटे 16, यानी 19 नींबू खरीदे थे। तो क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 फ्रेंड्स है, आपसे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, 37 बटा 57 + 43 बटा 57 + 37 बटा 37 अब दोनों नंबर ये सेम टू सेम है और उस पर घात कुछ भी हो, तो ऐसे में जो एचसीएफ होता है, आपसे एचसीएफ पूछा गया है, इन दोनों का सम ही हमारा एचसीएफ होता है, यानी 43 और आपका 37 ही आपका एचसीएफ होगा, हमेशा उन दोनों संख्याओं का योग होता है। इस प्रकार से 23 नंबर में कह रहा है कि इन संख्याओं का अनुपात इतना 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 है, इनका महत्व इतना है, तो संख्याओं का लसर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों आभास संख्या है, कई तरीके बहुत सारे हैं, ए बी सी तीन संख्या है, 2 3 5, 2 3 और 5 है, और एचसीएफ आपको 35 दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि एचसीएफ सर इन तीनों में एक है, 1 = 35, तो आप 70, 105 और 225 करके आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो सीधे सीधे एलसीएम जब निकालना है तो 35 और इन तीनों संख्याओं का, चूंकि प्राइम प्राइम नंबर है तो इनका गुणा कर दीजिए, 2 3 5, यानी 5 × 10 = 10, 10 = 30, 30 × 35 करेंगे तो आपका 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 10, यानी 1050 आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, आपको दो बीजगणितीय मान दिए गए हैं, दो बीजगणितीय x² - y² तो आप जानते हैं x - y और x + y होता है, और x³ - y³ दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x - y (x²) (x²) + (y²) ऐसा (x-a, a-b) का होल (a³ - b)। ठीक है, तो आप समझे इस बात को कि आपसे कह रहा है कि इनका एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ में क्या कॉमन है, (x-y), यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से 25 नंबर में कह रहे हैं कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का लसर 120 है तो इनका मौसम नहीं हो सकता, यानी मौसम जब भी होगा तो लसों को अपने पूरी तरह से काटेगा। तो दोस्तों 10 काट दे रहा है, 12 काट दे रहा है, 15 से ये कट जा रहे हैं, जबकि 18 एक ऑप्शन ये है जो इनको नहीं काट पा रहे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर किन्हीं संख्याओं का लॉस 120 है, उन संख्याओं का मौसम कभी भी 18 नहीं हो सकता। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, कि जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो पर डे डाला जाता है आपको अपने तक पहुंच सके। फिर दोस्तों ऐसे एलसीएम के हम लोग क्वेश्चन फिर लेकर के आएंगे, टॉप 25 क्वेश्चन यूपीएसआई के। तब तक फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।